तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ व्हाट्सएप की पांच बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि आपके डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। तो फ्रेंड्स, इन टिप्स एंड ट्रिक्स को जानने के लिए ग्रुप से जुड़े रहिए। ये तो हम सब भी जानते हैं, अगर हमने व्हाट्सएप से किसी को वॉइस सेंड करनी है तो वो हम इस माइक वाले आइकॉन पर क्लिक करके वॉइस को रिकॉर्ड कर सकते हैं और सेंड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम वॉइस को रिकॉर्ड करके उसे सुनना चाहें कि हमारी वॉइस किस तरह की रिकॉर्ड हुई है और उसके बाद हम हमारी वॉइस को सेंड करना चाहते हैं, इसके लिए आपने इस माइक वाले बटन पर लॉन्ग प्रेस करना है और ऊपर की तरफ ड्रैग कर देना है। और इसके बाद जितनी आपने वॉइस रिकॉर्ड करनी है वो आपने वॉइस रिकॉर्ड करनी है। और इसके बाद इधर से आपने होम बटन या रिसेंट बटन को प्रेस कर देना है और इधर से आपने दोबारा अपने व्हाट्सएप को ओपन कर लेना है। तो फ्रेंड्स, इधर से आप इस प्ले वाले बटन पर क्लिक करके अपनी वॉइस को इजीली सुन सकते हैं। और अगर आपको आपकी रिकॉर्डिंग पसंद आ रही है तो आपने इधर से सेंड कर देना है। अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो आपने इधर से इसको डिलीट कर देना है। तो फ्रेंड्स, ये तो हम सभी जानते हैं, अगर हमने किसी को मैसेज इस तरह सेंड करे तो इधर अगर हमारे पास इस तरह सिंपल ट्रिक्स आए तो इसका मतलब है कि हमारा मैसेज नेक्स्ट पर्सन को डिलीवर हो चुका है पर अभी तक उसने रीड नहीं किया। अगर वो रीड कर लेगा तो वो हमारे पास इस तरह ब्लू टिक्स आ जाएंगे जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा मैसेज रीड कर लिया है। अगर हम ये भी देखना चाहते हैं कि नेक्स्ट पर्सन ने हमारा मैसेज किस टाइम पर रीड किया है तो इसके लिए आपने अपने मैसेज पर इस तरह लॉन्ग प्रेस करना है और इसके बाद आपने इधर थ्री डॉटेड आइकॉन पर क्लिक करना है। या इसके अलावा आपके पास थ्री डॉटेड का ऑप्शन नहीं आ रहा तो आपके पास इस तरह का एक ऑप्शन आएगा तो आपने उस पर क्लिक करना है। तो हम इधर थ्री डॉटेड आइकॉन पर क्लिक करते हैं और इधर से हमने इन्फो पर क्लिक करना है। तो इधर से हम इजीली देख सकते हैं कि हमने मैसेज किस टाइम पर सेंड किया था और नेक्स्ट पर्सन ने किस टाइम पर इसको रीड किया और ये मैसेज नेक्स्ट पर्सन को किस टाइम पर रिसीव हुआ है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कोई पर्सन मैसेज सेंड करे और आप चाहते हैं कि उस मैसेज को आप रीड भी कर लें और नेक्स्ट पर्सन को पता भी ना चले कि आपने ये मैसेज रीड कर लिया है तो इसके लिए आपने प्ले स्टोर में जाना है और इधर से आपने एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है जिसके लिए हमने इधर सर्च करना है व्हाट्सएप बबल चैट। तो फ्रेंड्स, ये हमारे पास फर्स्ट नंबर पर हमारी एप्लीकेशन पड़ी हुई है, इसको हमने ओपन कर लेना है और इधर से हमने इंस्टॉल पर क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो फ्रेंड्स, हमारी एप्लीकेशन सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुकी है। इसके बाद आपने सिंपल इधर ओपन पर क्लिक करना है और इसको ओपन कर लेना है और इसके बाद इधर से हम इसको स्किप कर देते हैं और इधर से हमने इन दोनों परमिशंस को इधर से ऑन कर देना है। तो हम इधर क्लिक करते हैं और इधर से हमने अलाउ पर क्लिक करना है और इधर से हमने इसको ऑन कर देना है और इसी तरह हमने इधर से बैक क्लिक करना है और इधर से नोटिफिकेशन एक्सेस को इधर से ऑन कर देना है और इधर से हम अलाउ पर क्लिक करेंगे और इधर से हम व्हाट्सएप बबल चैट को ऑन कर देंगे और इधर से अलाउ पर क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसके बाद ये हमारे पास हमारी व्हाट्सएप बबल चैट सक्सेसफुली अब वर्क करने लग पड़ेगी। अगर आप इसको टेस्ट करना चाहते हैं तो आपने इधर टेस्ट वाले आइकॉन पर इस तरह क्लिक कर देना है तो ये हमारे पास इस तरह ये आइकॉन आ जाएगा। अगर हम अब होम बटन को प्रेस करें तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास ये इस तरह हमारा एक टेस्ट सैंपल आ चुका है। अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो आपने इसको इधर से ड्रैग करके इधर से डिलीट कर देना है। तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं अब हमारे पास एक इधर मैसेज आ चुका है जिसको अगर हम इधर से क्लिक करें तो हम इस मैसेज को इधर से इजीली रीड कर सकते हैं और नेक्स्ट पर्सन को ये भी नहीं पता चलेगा कि आपने इस मैसेज को रीड किया है या नहीं किया। अगर आप इसका रिप्लाई करना चाहते हैं तो आपने इधर सिंपल क्लिक करना है और इसका रिप्लाई कर सकते हैं। सिंपल जिस तरह हम व्हाट्सएप में चैट करते हैं वही हमें इंटरफेस इधर देखने को मिल जाता है, मगर इसमें यह बबल वाला इंटरफेस इस एप्लीकेशन को बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव बनाता है और कैची काम करता है। तो हम इसको इस तरह ड्रैग करके कहीं पर भी एडजस्ट इजिली कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम व्हाट्सएप से सिंपल इधर क्लिक करें हमारी गैलरी में जाएं और इधर से कोई इमेज चूज करते हैं और इसको अगर हम सेंड करें व्हाट्सएप की मदद से तो इससे हमारी इमेज की जो क्वालिटी है वो बहुत ही ज्यादा लो हो जाती है। तो अगर हम इस तरह कोई डॉक्यूमेंट सेंड करना चाहते हैं तो वो नेक्स्ट पर्सन इजिली रीड नहीं कर सकता। अगर आप भी चाहते हैं कि आप व्हाट्सएप की मदद से अपनी इमेज क्वालिटी में कम्प्रोमाइज किए बगैर सेंड करना चाहते हैं तो इसके लिए आपने सिंपल इस आइकॉन पर क्लिक करना है और इधर से आपने गैलरी की बजाय इधर से डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करना है और इधर से आपने ब्राउज अदर डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करना है और फ्रेंड्स, इधर से हमने इमेजेस में जाना है। तो हमने इधर से ये वाली इमेज इस तरह चूज करनी है और इसको इधर से सेंड कर देना है।
तो फ्रेंड्स ये हम नेक्स्ट पर्सन के पास इस फॉर्मेट में इमेज जाएगी, जैसे ही वो इसको डाउनलोड करेगा तो ये इमेज अपनी असल शेप में आ जाएगी। तो फ्रेंड्स बाज़ूकात ऐसा होता है कि अननोन पर्सन हमें बहुत ज़्यादा ग्रुप्स में ऐड करते हैं, जिससे हम बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं। तो अगर आप भी अननोन पर्सन को अलाउ नहीं करना चाहते कि वो आपको किसी ग्रुप में ऐड करे, तो इसके लिए आपने सिंपल इन 3 डॉटेड आइकॉन पर क्लिक करना है, और इधर से आपने सेटिंग्स पर क्लिक करना है, और इधर से आपने अकाउंट पर क्लिक करना है, और इधर से आपने प्राइवेसी में जाना है, और इधर से आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये इधर आपके पास ग्रुप्स का एक ऑप्शन आ जाएगा, इधर आपने क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स इधर हमारे पास 3 ऑप्शंस आ जाते हैं। अगर आप अपने कॉन्टैक्ट्स को ओनली अलाउ करना चाहते हैं कि ओनली आपके कॉन्टैक्ट्स ही आपको व्हाट्सएप ग्रुप्स में ऐड कर सकें, तो आपने इस ऑप्शन को चूज कर लेना है। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपके कॉन्टैक्ट्स में से भी कुछ स्पेसिफिक पर्सन ही आपको किसी ग्रुप्स में ऐड कर सकें, तो इसके लिए आपने इधर माय कॉन्टैक्ट्स एक्सपेक्टेड पर क्लिक करना है, और इधर से आपने कॉन्टैक्ट्स चूज कर लेना है जो आपको ओनली इसी ग्रुप में ऐड कर सके। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारा चैनल ग्रुप सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।